अगर मैं कहूं कि आपको परीक्षा के लिए छोटे छोटे सवाल भी तैयार करने चाहिए तो क्या आपको बुरा लगेगा? नहीं ना? तो मैं जानता हूं मेरे सब्सक्राइबर को अगर कोई बात बुरी नहीं लगती है तो इसका मतलब वो बात मुझे बताना चाहिए। तो आज इस वीडियो के अंदर बहुत छोटा छोटा सवाल, महज एक लाइन वाला, दो लाइन वाला, सारे यूट्यूबर बड़ा बड़ा बता रहे, मैं भी बड़ा ही बता रहा था, लेकिन मेरा ध्यान आया कि अरे चेला, बड़का के चक्कर में छोटका बिला जाएगा। अब छोटका पर भी मैं ध्यान देता हूँ, तो आज इस वीडियो के अंदर 10 सवाल मैं कवर करूँगा, छोटा छोटा। भगवान करे कि इन 10 सवाल में से आपके बहुविकल्पी सवाल मैच कर जाएं और आपका दिल मेरे दिल से और हाईली कनेक्टेड हो जाए, ठीक है? और हाँ यार, एक बात और, अगर आपको ऐसे ही सवाल का PDF फ्री में डाउनलोड करना, कोई चार्ज नहीं, तो गूगल में सर्च कीजिए PDF मंडी। इस वेबसाइट पर जा कर के अपने ज़रूरत की बहुत कुछ डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ लीजिए। चलिए आते हैं टॉपिक पर। इसका अवकलन करना है, इसका भी अवकलन करना है, मतलब टोटल जितना भी सवाल मैंने लिया अवकलन वाला लिया है। तो सबसे पहले इसको मान लेंगे y के बराबर, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो dy बाई dx बराबर होगा, टेन इनवर्स का सूत्र होता है 1/1 + x2। मैं बगल में लिख दूं क्या? टेन इनवर्स x बराबर क्या होता है? 1/1 + x2, ठीक है? तो ये होगा 1/1 + इन दोनों का स्क्वायर इंटू टेन को छोड़ के x अपान ए का जब करोगे तो 1/a होगा। मतलब 1/a शुरू में लिख लो, ए स्क्वायर का यहाँ गुणा करो ए स्क्वायर और +x2 अब बटे में ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो dy बाई dx बराबर ये ऊपर जाएगा 1/a × a² और ये दोनों नीचे रह जाएंगे। अब इससे ये कट जाएगा तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा 1/ यहाँ a बचेगा ना, a बटे तो कट गया, ये और ये दोनों बचेंगे, बस हो गया बेटा, एक नंबर का काम हो गया। इस पे आ जाओ, इसको y के बराबर मान लो। साइन इनवर्स का सूत्र क्या होता है? मैं सूत्र लिखूंगा ताकि आप उसको याद कर सकें। खैर PDFmondi.com पर इकट्ठा मिल जाएगा थोक भाव में और भी फ्री है। dy बाई dx बराबर क्या होगा? साइन इनवर्स को लिखेंगे 1/√ के अंदर 1 - इतने का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2x + 3 का दोबारा अवकलन होगा, इसको छोड़ देंगे, 2x का 2 होगा और 3 का 0 होगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में बहुत दिन पहले, 2.5-3 महीना पहले ढक्कन विधि बताया था। अगर आपको याद नहीं है तो गूगल में, यूट्यूब में सर्च करो एम सॉल्यूशन ढक्कन विधि से अवकलन, ठीक है, तो आप देख जाओगे 2 आ जाएगा ऊपर और नीचे रूट के अंदर 1 - (2x+3)² बस। अब ये होल स्क्वायर खोल देंगे तो भी कोई बात नहीं, नहीं खोलेंगे तो भी कोई बात नहीं। खैर मैं खोल देता हूँ, वन ये हो जाएगा 4x² + 9 × 3 = 12x। ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा, सब माइनस में हो जाएगा, मत खोलो, यहीं रहने दो, यहीं पर रहने दो, मत खोलो भाई। ये हो गया 2 सवाल, ठीक है। अब ये मत कहना कि कैसे पता चलेगा, यही रहने देना है। देखो सॉल्व करने से अगर कुछ कट जाए, कुछ कम हो जाए तो करना चाहिए, अगर नहीं कुछ कम होता, नहीं कुछ करता है तो वहीं रुक देंगे, आंसर मान लिया जाएगा। अगला सवाल देखिए, और जिन बच्चों को लगता है कि वे गणित में बहुत कमज़ोर हैं, फेल हो जाएंगे या 10 नंबर 5 नंबर पाने वाले हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा हमारा कोर्स ले लो बाबू, 95 वीडियो का कोर्स है, चाहोगे तो 5-6 दिन में देख के ख़त्म कर दोगे, 65-70 नंबर बड़े आसानी से मिल जाएगा। उसके लिए मैं अपना फ़ोन नंबर यहाँ दे देता हूँ, इस पर कॉल कीजिए और 95 वीडियो लीजिए, फीस मात्र एक बार देना है 200 रुपये, 95 वीडियो हैं, ठीक बेटा। आगे देखते हैं अगला सवाल, टेन इनवर्स लॉग एक्स, बहुत गजब का क्वेश्चन है। तीसरा,
टेन इनवर्स लॉग एक्स, वाई बराबर मान लो, अवकलन करो, टेन इनवर्स का क्या होता है सूत्र, देखो वही लिखा है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो वन अपॉन वन प्लस इतने का स्क्वायर इंटू टेन को छोड़ देंगे, अब लॉग का अवकलन करेंगे, लॉग एक्स का क्या होगा अवकलन, एक बटा एक्स होगा, एक बटा एक्स डिवाइड बाई डी एक्स बराबर, ये एक बटे एक्स शुरू में लिख दो ब्रैकेट में, वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ये वाला वन यहाँ रख करके बीच में रख दो, हो गया भाई, तीसरा नंबर हो गया। अब मैं आपको चौथा पांचवा ऐसे बताऊंगा, लॉग साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, बढ़िया सवाल है, चौथा, इसको y बराबर मान लो। अब देखो अवकलन का सवाल देखते ही पता चल जाता है कि इसका हम कितनी बार अवकलन करेंगे, तो इसका हम तीन बार अवकलन करेंगे, कैसे पता चला मुझे बताता हूँ, आपको कैसे पता चलेगा आप भी जान जाएंगे। देखो एक बार लाग लिखा, एक बार साइन लिखा, एक बार एक्स स्क्वायर लिखा, तुम्हें तीन स्टेप दिख रहा है ना, तो बस तीन बार अवकलन होगा, एक बार लाग के हिसाब से, फिर एक बार साइन के हिसाब से, एक बार इसके हिसाब से, चलिए करते हैं, लाग का होगा एक बटे आगे वाला, लाग के बाद वाला नीचे आ जाएगा, लाग एक्स का अवकलन एक बटे एक्स होता है, लाग एक्स का अवकलन एक बटे एक्स, तो लाग साइन का हो जाएगा एक बटे साइन इंटू लाग छोड़ देंगे साइन इनवर्स का, एक बटे रूट में वन माइनस इतने का स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर पहले से है, अब स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो चार घात होगा इंटू, अब साइन को छोड़ के एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो क्या होगा टू एक्स, तो डिवाइड बाई डी एक्स बराबर टू एक्स का वन में गुणा करेंगे तो टू एक्स, और नीचे ठीक है भाई, सिंपल है, आसान है, समझ गए, चलो आगे बढ़ते हैं पांचवें सवाल की तरफ। सी सब एक एक नंबर में आता है, तीन फार्मूला हुआ ना, ये तीन नोट करते रहना, टेन इनवर्स एक्स की होल पावर फोर, ये पांचवा सवाल है, मान लिया इसको y के बराबर टेन इनवर्स x की होल पावर फोर, तो यहाँ पर बुद्धिमानी का काम करना है, पहली बुद्धिमानी क्या है, पहली बुद्धिमानी है इस ब्रैकेट को पूरा पूरा x मान लो, x की पावर फोर का क्या होगा फोर एक्स क्यूब होगा, क्या होगा फोर एक्स क्यूब हो गया इंटू, चार घात को छोड़ के अब अंदर आएंगे, टेन इनवर्स एक्स का अवकलन करेंगे, तो टेन इनवर्स एक्स का होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, वहाँ पर लिखा हुआ है, बस ये सेट करना बाकी है, हो गया चार एकम चार हो गया, टेन इनवर्स एक्स का होल क्यूब बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये पांचवा सवाल हो गया। अब ये मत कहना बड़ा आसान आसान क्यों लिए हो, एक नंबर में आसान सवाल ही आता है, एक नंबर में आपके एग्जाम में बहुत कठिन नहीं आसान आएगा, अब की बार टफ सवाल है, साइन इनवर्स लॉग टेन एक्स, छठवां अब सवाल देखते ही पता चल गया कि कितनी बार अवकलन करना है, एक बार दो बार तीन बार बस, कर लोगे, मैं कर रहा हूँ, देखो डीवाई बाई डी एक्स बराबर साइन इनवर्स का होता है वन अपान रूट के अंदर वन माइनस इतने का स्क्वायर लॉग टेन एक्स का स्क्वायर इंटू
साइन छोड़ दो, लॉग पे आओ, लॉग 10 का होगा 1/10, क्या होगा 1/10 इंटू, लॉग छोड़ दो, अब 10 का करो, 10 का क्या होगा 10x का अवकलन sec स्क्वायर x, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो sec स्क्वायर को अगर हम 1/cos करें तो कोई फर्क नहीं, sec ऊपर 10 नीचे, बस ऐसे ऐसे ही छोड़ देंगे आंसर हो जाएगा, ऐसे ही छोड़ देंगे, बहुत करेंगे sec का 1 में गुणा करेंगे तो 1, sec स्क्वायर करने से sec स्क्वायर ऊपर है नीचे 10 और कराड़ी में है, बस मैं कर दे रहा हूँ ढंग से, क्योंकि बहुविकल्पी सवाल रहेगा एक नंबर वाला ना, तो पूरा पूरा मैच करेगा तभी ना आप टिक करोगे। हो गया एकदम सिंपल, कहाँ है कुछ, जो मेरा व्यूअर है 2-3 महीना पुराना वो मेरी वीडियो पूरा पूरा समझेगा, जो अभी नया नया आया है धौधिया के उसको तो किसी का चैनल अच्छा नहीं लगेगा। सातवां सवाल देखो मेरे बाबू, थोड़ा सा गले पे कफ जम गया, एक दिन ठंडा पानी पिला दिया एक चेला ने, अरे गुरुजी पीजिए कुछ नहीं होगा, अब गुरुजी लोग जन्म करते हो कमज़ोर बॉडी के रहते हैं। 10 inverse x की पावर, एक मिनट, 10 inverse x की पावर 3/2, बढ़िया सवाल मिल गया सातवां, 10 inverse x की पावर 3/2। अब बाबू इसका सवाल, इसका करना है अवकलन, y के बराबर मान लो, अवकलन करो 1/1+ इतने का स्क्वायर करेंगे x की पावर 3/2 का स्क्वायर इंटू 1/1+ एक्स स्क्वायर हो गया, ये फार्मूला लग गया। अब करना है इसको छोड़ के सिर्फ इसका x की पावर 3/2 का क्या होगा, 3/2 x की पावर 3/2-1। सवाल में थोड़ा सा जटिलता है, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, केवल 3 घात बचेगा, और यहाँ पर 2 1 2 3 में से 2 जाएगा 1/2, यानी 3/2 x की पावर 1/2। तो इसको क्या 1/2 घात को हम करड़ी लिखते हैं, 3/2 एंड इंटू 1/1+ x³ इंटू √x। बस सिंपल है, सिंपल है, आसान है, आसान है, बहुत करोगे तो 3√x/2 ब्रैकेट में उतना, ऐसे कर दूं क्या 1+x³। सबसे अच्छा तरीका ये वाला है, ऐसे ना छोड़ के ऐसे कर दो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब मैं आपको आठवां सवाल बताता हूँ, जो हमारा चेला पुराना है वही तो समझेगा, वही कहेगा कि गुरुदेव आज तक मैंने दूसरे का वीडियो नहीं देखा सिर्फ आपका देखा, तो ऐसा मत करना, हमसे प्यार थोड़ी कर रहे हो, हम गर्लफ्रेंड नहीं है तुम्हारे कि सिर्फ हमसे प्यार करोगे दूसरे से नहीं, हम तो तुम्हारे गुरु हैं, हम तो तुम्हें एजुकेशन दे रहे हैं, मेरे जैसे हजारों गुरु यूट्यूब पर हैं, सब लोग फ्री में भी दे रहे हैं, कुछ पेट भी दे रहे हैं, तो शिक्षा लेने का अधिकार एक की वजह हजार से हो सकता है, आप 100 लोगों की जगह 200 लोगों से सीखो, जो बेहतर हो उससे सीखो, बस अपना टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना कि 50 लोगों से पढ़ने के लिए टाइम ही ना बचे, ठीक है, ठीक है बेटा। वीडियो सबका बात कीजिए, सब लोग सिखाते हैं, अच्छा सिखाते हैं। अगला है cot inverse x³ पावर m, बहुत भयंकर सवाल, cot inverse x³ पावर m। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले जिसको मैंने हाथ से ढक दिया है, ढक्कन ट्रिक जो याद किए होंगे मेरा वो समझ जाएंगे, इतना की घात m का मतलब होता है m x की पावर m-1, पहली बार अवकलन, इसमें देखो अवकलन क्या बार होगा, एक बार इसके हिसाब से, एक बार काट के, एक बार इस, 3 बार होगा इसमें भी, तो m cot inverse x³ की पावर m-1 इंटू, cot इनवर्स का सूत्र होगा यही होगा लेकिन माइनस चिन्ह लग जाएगा, माइनस 1/1+ x³ का स्क्वायर,
तो एक्स में घाते 3 का स्क्वायर जब करेंगे तो 3 का स्क्वायर 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन घात पर जब स्क्वायर लगाते हैं तब 3 का 2 में गुणा हो जाता है, याद रखना। इंटू एक्स क्यूब का दोबारा करिए 3x स्क्वायर। सवाल सॉल्व हो चुका है, बट इसको सिस्टमेटिक वे से लिखना है। -3x स्क्वायर बटे इतना, -3mx स्क्वायर इंटू इतना, बटा के नीचे 1+x की पावर 6। बस सिंपल है, आसान है, नोट कर लीजिए, अच्छा रहेगा आपकी सेहत के लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 9वां सवाल देखिए बेटा, 9वां। अपने पास से नहीं मैं सवाल ले रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है सब सवाल, मैं क्वेश्चन बैंक ले रहा हूँ। साइन इनवर्स कॉस एक्स स्क्वायर है, 9वां है। साइन इनवर्स कॉस एक्स स्क्वायर, तो इसका अवकलन कीजिए। कई बार होगा, एक बार ये 3 बार होगा, तो 1/√ के अंदर 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे, इंटू कास का अवकलन क्या होगा, कास का होगा माइनस में साइन, इंटू कास को छोड़ दो, एक्स स्क्वायर का करो तो हो जाएगा 2x। अब dy/dx बराबर -2x इतना बटे रूट के अंदर 1 माइनस ये स्क्वायर कास पे लगा दो, ठीक है, बस काम हो गया, आंसर हो गया। बाबू स्क्रीनशॉट लो, इतना बेहतर सवाल छांट के लाया हूँ। 10वां आ गया, 10वां सवाल के बाद आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। कौवा बोला 10वां सवाल क्या है, लाग y बराबर मान लो, इसमें भी 3 बार अवकलन होगा, 1, 2, 3, समझ गया। चलो लाग का होगा, इस लाग का होगा 1/, इसके आगे जितना है सब लिख दो, इंटू अब इस लाग का होगा 1/, इसके आगे जितना हो सब लिख दो, अब इंटू इसका होगा 5x की घात 4। तो ये 5 घात 4 4 घात 4 घात कट जाएगा, सिर्फ यहाँ 1 घात बचेगा, यानी 5/x बचेगा। log x की पावर 5, ठीक है, 4 घात 4 घात कट गया, 5/x 5/x log x की पावर 5, x की पावर 5 हो गया। तो बेटा आपको मैं जितना भी बातें बताया हूँ सारी बातों का ध्यान रखना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बढ़िया एग्जाम होगा, बढ़िया नंबर पाओगे, बस मुझे याद रखना, परीक्षा के बाद मुझे कमेंट करना, फ़ोन करना, नंबर तो है ही। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की भी तैयारी अगर आपको करना है तो इतना बेहतर तैयारी मैं कराता हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का, ट्रिक का तो भरमार है। 10 मिनट का सवाल 10 सेकंड में पूरा सैंपल सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, 2 लाइन में हो जाता है। सरल लेखा चैप्टर बहुत कठिन होता है ना, मैंने इतना बेहतर बनाया है, वाह क्या बात है। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की अगर तैयारी करना हो तो व्हाट्सअप ज़रूर करिएगा, ठीक है, थैंक यू।